निखिल, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा झटका लग रहा है इस वजह से वो जा रहे हैं? हाल ही में यानी कल ही शायद हमारे ख्याल में NSE ने जो अपना एक बड़ा बिग डेटा इशू किया है मार्केट पल्स, उसमें दिख रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी पोजीशन ओवरऑल मार्केट में होल्डिंग वाइज एज इट इज़ है, डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स ही होंगे, लेकिन FIIs ने 5% और घटा दिया है और वो सारा गया है म्यूचुअल फंड के हिस्से में। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा अब डरा सहमा सा है या उसको लगता है कि बहुत पैसे नहीं बन रहे? मेरे ख्याल से टू पास दैट जजमेंट अभी शायद टाइम नहीं आया है. इट्स टू अर्ली. मार्केट्स वेंट अप 100% फ्रॉम पैंडेमिक लेवल्स एंड देव करेक्टेड अबाउट 20%. तो अगर आप किसी स्टॉक की प्राइस ऐसे देखेंगे कि 100 से 200 हो के फिर 160 को आ गई, इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑन अ रिलेटिव बेसिस इट्स नॉट सिग्निफिकेंट. जो भी इन्वेस्टर मार्केट में जिन्होंने निवेश किया है पिछले 2 सालों में, जिन्होंने ज़्यादा लेवरेज नहीं लिया है, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ देम हैव डन क्वाइट वेल. सो आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज़ अभी तो हो रही है. इन द फ्यूचर वी हैव टू सी. दिस इज़ वेरी टाइम बाउंड. इफ अनदर 20% करेक्शन हैपेंस इन द नियर फ्यूचर देन द सिचुएशन माइट चेंज, बट एज ऑफ नाउ नो. और अगर आप पूरे मार्केट में स्केल की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर ओनली अबाउट 8-9% ऑफ द मार्केट. लाइक यू वर कंपेयरिंग देम विद FIIs अर्लियर, दे आर अ सिग्निफिकेंटली लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट इन इंडिया. दे वुड बी इजिली यू नो 2 टाइम्स एज मच एज रिटेल. तो अगर FIIs पैसे निकाल रहे हैं एंड इफ दे आर सेलिंग एंड रिटेल इज बाइंग, आई डोंट थिंक रिटेल बाइंग विल एवर मेक अप फॉर FIIs सेलिंग बाय वर्च ऑफ हाउ मच स्केल दीज फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव. करेक्ट निखिल, ये बात मैंने इसलिए रखी कि जब लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई थी जो दिसंबर 31 तक थी, उसमें ये ट्रेंड दिखा था कि रिटेल की पोजीशन बढ़ी है और म्यूचुअल फंड की बढ़ी है। मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, दोनों ही बेसिकली रिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और FIA की उस समय भी घटी थी और FIA की इस समय भी घटी है, लेकिन इस बार अलग अलग करके देखें तो रिटेल ने नहीं लिया, म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा लेपअप किया है। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि ये जो आप कह रहे हैं कि आगे जाते हुए 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में क्या तस्वीर बनेगी, अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी है और हो सकता है, लेकिन क्या कोई चीज़ आप फोर्सी कर सकते हैं जो आपको लगता है कि बिग इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ी रिलेक्टेंसी है और खासतौर पे FIIs की बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंसी है? Well, not just in India, but across the world, inflation has become the predominant issue. अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखें, से अ फॉरेन इन्वेस्टर हु इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, अगर 2 साल पहले ही कुड बोरो एट 1%, 2% एंड इन्वेस्ट एंड मेक 10% हियर और 12% हियर, यू नेगेट करेंसी डिप्रिसिएशन ऑफ 3-4% ईयर, ही वाज स्टिल मेकिंग अ सिग्निफिकेंटली गुड रिटर्न इन इंडिया. अगर आज उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1-2% से 3-4% हो गया है एंड इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग अप फर्दर, देयर एपेटाइट फॉर रिस्क विल डेफिनेटली गो डाउन.